बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूके यूके ने क्या अनाउंसमेंट की है, और ये बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो यूके ट्रैवल करना चाहते हैं। टॉपिक में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नाइल कंसल्टेंट पेज को, हमारे फेसबुक पेज नाइल कंसल्टेंट और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दोस्तों यूके ने, आपको पता होगा, यूके ने लॉकडाउन लगाया 1 मंथ का, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कोविड के केसेस हैं वो यूके में चल रहे हैं, और अभी स्टिल भी दिन ब दिन इंक्रीजमेंट हो रही है। बट दुनिया को अब आइडिया हो चुका है कि हमने रहना, वी हैव टू लिव विद दैट, हमने रहना इसी के साथ है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट भी है, छोटे भाई होने के नाते, देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है आपको। गवर्नमेंट ने बोला अपना ख्याल करें, मास्क पहने। और गवर्नमेंट ने कोई बड़ी बात आपसे नहीं की, मास्क कितनी देर लगती है लगाने में, अगर एक मास्क मैं अपने चेहरे पर लगा लूँ मैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी बच जाएगी। इससे बड़ी बात क्या है, अल्लाह पाक ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। हम जो भी सांसें ले रहे हैं, घूमते हैं, अल्लाह का हमें हर 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 पल हर सेकंड अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें हर चीज़ अवेलेबल है, आज़ादी है, हर चीज़ है। तो ये इस चीज़ का ख्याल करें। देखिए यूके में क्या हुआ, बिलीव मी, यूके में जो उनकी डेथ जो डेथ रेशियो है, मैं अगर कहूँ कि 90% झूठ नहीं होगा, बचने की इम्कान वहाँ पे 10% जो मैंने रिपोर्ट्स पाई 10% सिर्फ है, पर अल्लाह पाक फलो करा मैं यहाँ पे 98 है। पर अभी कुछ दिनों से जो एक वेव आई है उसके अंदर जो डेथ जो है उसकी वो परसेंटेज है वो 7% चली गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है बहन भाइयों को जो देख रहे हैं कि प्लीज़ मास्क पहन लें, बहुत बहुत फ़वाद हैं इसके। यूके ने अनाउंसमेंट ये किए जी कि पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2 दिसंबर को ओपन करने जा रहे हैं, तो फिर जो बाकी जो के पास वीज़ा था वो जा सकते हैं। बट सबसे मज़े की बात यह है कि यूके ने यह भी अलाउ कर दिया अब कि 4,000 फैंस स्टेडियम में आ सकेंगे, 4,000 फैंस स्टेडियम में आ सकेंगे। उसके अलावा यूके ने जो 14 डेज क्वारंटाइन का प्लान किया उसको तब्दील कर दिया गया, और टूरिज्म कंपनी और टूरिज्म इंडस्ट्री की उसमें उसको इस चीज़ को बहुत सराहा गया। कहा यह गया कि जो 14 डेज क्वारंटाइन है उसको बदल दिया 5 डेज के अंदर, 5 डेज क्वारंटाइन जाएंगे, 4th डेज के बाद आप टेस्ट करवाएंगे, अगर वो नेगेटिव निकलता है तो आप बिल्कुल ईजिली मूव कर सकते हैं जहाँ पे जाना है। 4 डेज क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे थे कि ये 14 डेज क्वारंटाइन ख़त्म हो और हम जाएँ। तो मैं उनको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि 2 दिसंबर के बाद ये चीज़ इंप्लीमेंटेशन कर दी गई है कि 4 डेज आपने रहना होटल में, और आपने उसके बाद जिस में जहाँ भी क्वारंटाइन अपने होना है उसके बाद आपने टेस्ट करवाना है, अगर नेगेटिव निकल आता है तो फिर आप निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से यूके एक प्लान दे रहा है कि वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशंस को, लिमिटेड सेलिब्रेशंस अनाउंसमेंट की है कि वो हम उसमें करेंगे, बट SOPs को फॉलो करते हुए। और बाकी जो स्कूल्स हैं, वो क्लब्स हैं, उसके लिए अभी उन्होंने ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ओपन है या नहीं, बट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो 2 दिसंबर के बाद खोल रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अब। तो आप जो मेरे भाई पाकिस्तान में जिनके वीज़ा लगे हुए हैं वो 2 दिसंबर के बाद जा सकते हैं, और उनको कहीं कैद होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जाएँ घूमें। दोस्तों दुनिया अब समझ चुकी है कि अब COVID-19 जो है ये हमारे साथ है और रहना है, जब तक कोई वैक्सीन और प्रॉपर कोई इलाज नहीं आता तो हमें अपनी केयर खुद करनी है, और केयर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाथ धोना है, मास्क पहनना है, आप जहाँ मर्जी काम कर सकते करें। बट पाकिस्तान में अंदर जो सेकेंड वेव आई है जिसकी वजह से कुछ मालिक का, मैं सऊदी और दुबई ने जो पाबंदी लगाई है पाकिस्तान में, उसे COVID-19 की वजह से लगाई गई है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह हमने इसी साल में, इस तरह हम लड़े हैं जून जुलाई मार्च लेके, हमारा दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नाम बना है COVID-19 में। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा ये अवाम, ये कौम इंशाल्लाह दोबारा हम इसी से गुजरेंगे, दोबारा हम इसी को फाइट बैक करेंगे। और दुआ अल्लाह पाक से यही है कि जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे, और जो इस वबा से बीमार हैं या जो इस वबा में मुबतला हैं अल्लाह पाक उनको सेहत फरमाएँ, और अल्लाह पाक उनको जो है वो उनको जो लोग देख कर लोगों को आइडिया हो भाई किस किस्म की वबा है ये, ताकि लोगों को खौफ डर वो लोगों को मौजूद होना चाहिए। इस टाइम माशाल्लाह हम लोग बहादुर कौम है पाकिस्तानी, हम डरते नहीं हैं, डर तो अल्लाह का है, पर अल्लाह पाक ने भी बोया कि जिस जगह में वबा हो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज़ खुद को भी सेफ़ रखें, और दूसरों को भी आप जो है वो तलकीन करें कि वो भी सेफ़ रहें। स्टे सेफ़, स्टे होम। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।